अच्छा जी, तो ये जो है आपने पहले इसके अंदर से वैल्यू जनरेट की, ठीक है, टी एफ डॉट रैंडम डॉट जो भी आप कर रहे हैं, टी एफ डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, ये तो इसको फिर आप वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो आप फिर इसको वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, ये अब आपका एक एज अ वेरिएबल कंसिडर होगा। लेकिन एक चीज अगर देखें हम, इसकी अगर टाइप्स देखें दोनों की, क्या डिफरेंस है इसमें, तो एक्स डॉट या टाइप डॉट, टाइप एक्स होता है, टाइप एक्स, एक्स टेंसर फ्लो डॉट पाइथन डॉट फ्रेमवर्क ये। और अगर हम इसकी दिखाएं देखें, पहले इसको रन करें और इसकी टाइप देखें, टाइप वी, देखें यहाँ पे फर्क है, ठीक है। तो ये आपका जो है ईगर टेंसर है, ये मॉडिफाइबल नहीं है, लेकिन जो आपका वेरिएबल होगा उसमें आपका लिखा होगा रिसोर्स वेरिएबल, रिसोर्स वेरिएबल, ठीक है। तो ये फर्क है इसमें। उसके बाद आपका आ गया जी, द स्टेट ऑफ अ वेरिएबल कैन बी मॉडिफाइड वाया इट्स असाइन मेथड। तो पहले ये था जी 3-1 का शेप ये थी, और हम क्या कर रहे हैं, अब चेंज कर रहे हैं उसको वंस के अंदर, तो अब ये चेंज हो सकता है। तो चेंज करने के लिए असाइन का वर्ड, ये कीवर्ड यूज होगा इसके साथ। तो आपके पास इसी वी को आप चेंज कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज ये 1-1 हो जाएगी यहाँ पे, टी एफ डॉट वंस शेप दिस, ठीक है, ये आ गई। और उसके बाद आपके पास, किसी ने सवाल किया है? जी सर, ये कंफ्यूजन हो रही थी कि ये वंस क्यों कर रहे हैं हम यहाँ। चेंज करके दिखा रहे हैं आपको कि ये चेंज हो सकते हैं, ऑपरेशंस दिखा रहे हैं ओके कि ये डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं हमारे इस टेंसर फ्लो के अंदर, जैसे NumPy में होते हैं। प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करके आपने इसको करना, नोट्सबुक सारी मौजूद हैं गिटहब के ऊपर। अच्छा जी, आगे आगे जी, चेंज करके दिखा रहा है वैल्यूज बेसिकली। अब इट आल्सो वर्क्स फॉर अ सबसेट ऑफ द कोफिशिएंट्स। अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक चीज को चेंज करें, सारे के सारा चेंज ना करें, तो सिर्फ जो है आपके पास जो है V00, V00 का मतलब है कि आप इसको चेंज करने जा रहे हैं, तो V00 डॉट असाइन, ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू को टारगेट किया स्लाइस करके, असाइन 3, तो आपके पास ये 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको करें तो ये देखें, इसका ये जो पहला पहला V00 था ये चेंज हो गया 3 में। उसके बाद आ गया जी आपका सिमिलरली असाइन अंडरस्कोर एड एंड असाइन अंडरस्कोर सब आर एफिशिएंट इक्वलेंट टू प्लस इक्वल और माइनस इक्वल एज शोन नेक्स्ट। तो आपके पास जो है वी अंडरस्कोर साइन एड, तो अच्छा बेसिकली एक चीज नोट कर लें कि दूसरी बात ये हम नोट कर लेते हैं कि हम अगर वी को अब देखें यहाँ पे दोबारा से, वी वो चेंज हो चुका हुआ है, सही, उसने उसको इन प्लेस चेंज कर दिया है। अच्छा, और अगर हम ये कर रहे हैं वी डॉट असाइन एड, तो ये क्या करेगा, ये आपका उसके अंदर एक चीज को ऐड कर देगा। अब बेसिकली इसी जो वे मॉडिफाइड था उसके अंदर, 3 के अंदर एक ऐड कर दिया, एक ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, सही। तो आपका वी अंडरस्कोर वी असाइन एंड ऐड जो है वो आपके बेसिकली जो ये उसने बताया है वो आपके असाइनमेंट एडिशन है, जैसे कि प्लस इक्वल करके हम करते हैं ना, प्लस इक्वल, तो वो इसमें ऐड कर देता है और उसको चेंज कर देता है, यह है असाइन ऐड। और दूसरा आपका जो है हम माइनस वाला भी टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे असाइन सब, असाइन सब,
ठीक है जी, ये देखें वापस उसने उसको माइनस कर दिया, एक दफा और रन करेंगे और कम हो जाएगा, ये देखें जी ये टू हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गए जी टेंसर ऑपरेशन डूइंग मैथ इन द टेंसर फ्लो। मैथ कैसे जी, जस्ट लाइक नंपाई टेंसर फ्लो ऑफर अ लार्ज कलेक्शन ऑफ टेंसर ऑपरेशन एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हियर आर। तो ए इज इक्वल टू टी एफ डॉट वंस, इसका स्क्वेयर लिया, इसका स्क्वेयर रूट लिया, फिर इसको दो टेंसर को ऐड कर दिया, फिर उसके दो टेंसर्स का जो है मैट मूल यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले ली या असाइनमेंट मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। ये इसको हम यहाँ देख लेते हैं, तो हर लेवल पे इसको आप शायद देख लें, प्रिंट ए, प्रिंट प्रिंट बी, प्रिंट सी, प्रिंट डी, प्रिंट ई, दोबारा से प्रिंट ई। अब यहाँ पे देखें टी एफ डॉट वंस आपके वन वन का आ गया ये, और इसका स्क्वेयर लिया तो जारी बात है वन का स्क्वेयर स्क्वेयर ही होगा, वन ही होगा, और उसके बाद स्क्वेयर रूट लिया तो उसका स्क्वेयर रूट वही रहेगा, वन ही रहेगा, और देन आपने जी ऐड किया जी इसको बी और सी को, तो ये एलिमेंट वाइज एडिशन होगी, टू टू हो गया। उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो गई, जैसे आप डॉट प्रोडक्ट होती है, तो यहाँ पे आपके पास टी एफ डॉट मैट मूल ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जैसे होती है वो हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ई स्टार, ये आप असाइनमेंट ऑपरेटर स्टार इक्वल डी, डी क्या है आपका, डी असल में आपका क्या था, ये था डी, ये वाला था डी, तो इसको मल्टीप्लाई करके सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर, ई जो है आपका ये टू था, टू यानी ये आपका मल्टीप्लीकेशन होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है, टू टू दर फोर, टू दर फोर, ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन है, और ये आपकी जो है मैट मोड या डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें फर्क है, ठीक है। आगे चलें जी, इम्पोर्टेंटली यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट बात कर रहा है, ईच ऑफ द प्रीसीडिंग ऑपरेशन गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑन द फ्लाई एट एनी पॉइंट, यू कैन प्रिंट व्हाट द करंट रिजल्ट इज, जस्ट लाइक इन नंपाई वी कॉल इट दिस ईगर एग्जीक्यूशन, ईच प्रीसीडिंग ऑपरेशन गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑन द फ्लाई एट एनी पॉइंट, you can print what the current result is just like in numpy we call it in eager execution, theek hai, to ye eager execution hai simple wahi jo hoti hai, acha ji, a second look at the gradient tape api, hamare paas ye gradient tape api, so far the tensorflow seem to be seem looked a lot like numpy, but here is something numpy cannot do, retrieve the gradient of any differentiable expression with respect to any of its inputs. तो अगर आप एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, तो उसका जो है एक्सप्रेशन है या फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर लेना हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल्स, तो वो हमें ये देता है, तो जो कि numpy में इस तरह के डेरिवेटिव रन नहीं करता, तो ग्रेडिएंट टेप जो है, ग्रेडिएंट टेप जो है वो ये है, just open a gradient tape scope, apply some computation on the to one or several input tensors and retrieve the gradient of the result with respect to the inputs. So ye instantiate kiya ek input variable tf dot variable initial value 3, ek simple ek constant ek liya 3 value ka, to ye aapke usme se aapne kya kiya ki input var jo hai usko isme se pass kar diya, ठीक है, तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू, जब आप इसको शुरू करेंगे ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या करेंगे, आपने जो टेप इंपोर्ट की थी, यानी कि इंपोर्ट कह रहा हूँ कि यूज किया इसको एज अ वेरिएबल विद डीएफ डॉट ग्रेडियंट टेप,
एज टेप, तो टेप को लेके टेप डॉट ग्रेडियंट, और उसमें आप उसके जो है अच्छा ये जो है आपका फंक्शन बन गया, ये आपका फंक्शन बन गया, किसका फंक्शन बन गया, इस वेरिएबल का फंक्शन, ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू 2x मिसाल के तौर, तो ये आपका x है, ठीक है, और उसमें ये एक्स स्क्वेयर हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, टी एफ डॉट स्क्वेयर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का जो है उसने लिया है ग्रेडियंट, तो ये क्या आएगा, यहां देखते हैं, अब इसका डेरिवेटिव जो है इसको प्रिंट करा लें, ग्रेडियंट उसकी वैल्यू आई है 6, ठीक है, 6 वैल्यू आई है, तो कैसे आई है, कोई किसी को आइडिया है कैसे आई है, टाइम भी खत्म हो रहा है, ये ऐसी आई है ना, ये वैल्यू है 3, तो इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर है ना, ठीक है, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे 2 × 3, ठीक है, तो इस तरीके से, सर इसका कैसे ले सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, नहीं नहीं ये वेरिएबल है ना सर, ये वही है ना जिसके जिसके रिस्पेक्ट हमने लेना है उसका डेरिवेटिव, अच्छा ठीक है, अस फंक्शन है ना, बेसिकली ये फंक्शन है ना, 3 स्क्वायर है ना, अब आगे जब लेंगे ना इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस जो भी है रिजल्ट, ठीक है रिजल्ट, और इसको करेंगे 2, तो ये 1 नहीं हो जाएगा, 2 × 3 × 1 तो 6, चलो आगे आ गया, this is the most commonly used to retrieve the gradient of the loss of a model with respect to its weights, gradient is equal to tape dot gradient loss weights, to ye aap ye use karte hain hamesha, to ye basically aapko bataya tha ki jab aap koi customized loss function banayenge khud se ya is tarah ka koi kaam karenge to fir aapko use karna padega, warna aapko kisi cheez mein zarurat use karne ki hai nahi, kyunki bahut sari jo cheeze hain wo sab already provided hain Keras ke andar, ठीक है, सो फार वी हैव ओनली सर 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 जब हम अपना लॉस बना रहे होंगे तब भी हमें डेरिवेटिव लेने की क्यों जरूरत पेश आएगी, मतलब लॉस फंक्शन बनाएंगे फिर ऑप्टिमाइजर लगाएंगे तो डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा ना, ग्रेडियंट्स आएंगे ना, जो आपने वो जो देखा था ट्रांसफर लर्निंग, नहीं आपने जो स्टाइल ट्रांसफर और वो दूसरा जो था उसके अंदर आप खुद लॉस फंक्शन उन्होंने बनाए हुए थे, ठीक है, उसके अंदर वो एक कस्टमाइज्ड किस्म के लॉस फंक्शन थे, अभी खत्म हो रहा है, अगर दोबारा 5-7 मिनट 10 मिनट का अगर